पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर वसूले जा रहे 5 से 10 हजार रुपए, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को पक्के मकान बनाए जाने हेतु लागू की गई लोकप्रिय प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्के मकान बनाए जाने हेतु राशि सरकार द्वारा आवंटित की जाती है। हम आपको बता दें कि जवा विकास खंड के ग्राम पंचायत कोनीकला के ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के दबंग सचिव विवेक पांडे एवं रोजगार सहायक उमेश तिवारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दिलवाने के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए तक वसूले जाने का आरोप लगाया गया है। गरीब ग्रामीणों द्वारा अपने वीडियो संदेश के माध्यम से बताया गया कि किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए पहले पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक को घूस देनी पड़ती है, तभी किसी योजना का लाभ गरीबों को मिल पाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की पहली किस्त 3 वर्ष पूर्व आई थी, जिसके बाद आज तक दूसरी किस्त नहीं मिली। ग्रामीणों द्वारा ये आरोप भी लगाया गया है कि लंबे समय से पदस्थ पंचायत सचिव की मनमानी से ग्रामीण जन काफी परेशान है, जिसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराए जाने की मांग की है। प्रस्तुत है इस संबंध में ग्रामीण हितग्राहियों से बातचीत के अंश। क्या नाम है? रोशन लाल वर्मा। कहाँ के निवासी हैं आप? खैराई कोनी ग्राम पंचायत है। ये जबा तहसील में आती है? जबा तहसील। अच्छा, ये बताइए, ये जो मकान बन रहा है तो आप स्वयं बना रहे हैं कि अभी आवास है? प्रधानमंत्री आवास है? प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, और आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें से 5 हजार ले लिए सिक्योरिटी, और तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 हजार रुपए ले लिए? 5 हजार रुपए लिए। क्यों लिए हैं? बोले कि अब देना ही पड़ेगा, सब कोई दे रहे हैं तो दो, तुम भी दो। 5 हजार रुपए आपसे लिए और आप दे दिए। तो वो पैसा निकलवाने गए थे कि आप तुरंत आप गए निकाल के आए थे? हाँ, निकाल के ले गए। अच्छा, फिनो वाले से? फिनो वाले से साथ में आए थे? साथ में नहीं आए। हाँ, वो अजय को भेजे, अजय साहू को, वो लेके गया। बोला वही मंगाए हैं? हाँ, बोला कि वही। तो आपसे बात होत भी हुई होगी फोन के माध्यम? पहले से बोले थे 5 हजार देना हाँ। पड़ेगा तो माने आप पहली किस्त आपकी आई और 5 हजार रुपए आपसे सिक्योरिटी ले ली। 10 हजार लगाए तब तो बनी। 10 हजार जेब से आप लगाए? जेब से। पहली किस्त कितनी आई थी आपकी? 25 हजार। 25 हजार में 5 वो ले गए, 20 हजार और 30 हजार टोटल लगा अभी तक। पिछले साल आया था ये आवास? पिछले साल। कितने वर्ष, कितने महीने हो गए घर छत पड़े आपका? ये जनवरी में छत पड़ा है। इसी जनवरी में? नहीं, पिछले साल। पिछले साल तो मैंने 1 साल सुपर हो गया। हाँ, 1 साल सुपर। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो मैंने 1 साल बाद आपसे कोई आपको खबर लेने नहीं आएगी आपका पैसा बाकी है कि क्या करना? आप उनसे बात किए, सरपंच से, सेक्रेटरी से बात किए? एक बार आए थे जब छत पड़ा। हाँ? बोले छपाई अपन करा दो, तो इसके बाद तीसरा किस्त तुम्हारे आ जाए 15 हजार। पैसे नहीं रहा तो छपाई करके पड़ा रहेगा। और छत जब पड़ रहा था तब आप उनसे बात नहीं किए कि हमारा? बात किए थे, बोला कि अपना से घर से लगाओ। घर से लगा लिया गया। अच्छा, आपसे कुछ आवास जब आपका फर्स्ट में आया, कई जगह ऐसी खबर आ रही है कि सबसे 10 हजार 5 हजार पहले से लिया, माने मांग होती थी कि आप मुझे दो तभी हम देंगे, तो आपसे तो ऐसी कोई घटना नहीं? बिल्कुल सत्य बोलिए। सत्य, हमारे पास जब मैंने मकान जब या मैंने आवास आने के भा। हाँ? बोले 5 हजार रुपए जमा कर दो तब तुम्हारे नंबर आ जाएगा, पैसा जमा तब आ जाएगा। कौन बोला ये आपको? ये बोला था उमेश रोजगार सहायक। कहा बोले 5 हजार रुपए अगर दोगे? 5 हजार रुपए देना पड़ेगा तब तुम्हारी स्टाम्प के जो है वह सूची, तो वो तब तुम मैंने ठेंगे। अच्छा, सूची में आने के लिए 5 हजार देना पड़ेगा? 5 हजार रुपए बाद मैंने 6 महीना बाद मैंने पैसा आवा जुलाई में। अच्छा, 6 माह पहले आपने 5 हजार रुपए उनको पहले जमा कर दिए? किनके पास? रोजगार सहायक के पास? रोजगार सहायक के पास जमा करें, अपने ग्राम पंचायत के। उनका क्या नाम है? उमेश तिवारी। चलिए, तब आपका आवास 6 माह बाद आया, यानी 5 हजार रुपए आपको देना पड़ा। श्रीनिवास, पूरा नाम बताइए। श्रीनिवास यादव, ग्राम कोनी। हाँ, ग्राम कोनी। अच्छा, आपकी कुछ समस्या है? क्या है? हाँ, समस्या है ये जो छपाई नहीं मिली है। आवास आपको भी मिला था? हाँ। तो छपाई नहीं मिली? छपाई नहीं मिली है। जो मैंने सेक्रेटरी 1 हजार रुपया मैंने विवेका माने हमसे। हाँ? 1 हजार रुपया हमारे हाथ से है, मात्र 1 हजार। इसके अलावा और तो फिर नहीं मांग हुई? मांगता था लेकिन हमने दिया नहीं उसको। अच्छा, कितना मांग रहे थे? 5 हजार। मगर आपने उसमें कितना दिया है? 1 हजार रुपए दिया। 1 हजार उन्हीं के हाथ में दिए हैं? हाँ, विवेक। आवास जब आपका मैंने किस्त पहली किस्त आनी थी उसके पहले आपने 1 हजार रुपए दी। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं है। आपका शुभ नाम भैया? रमेश यादव। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा 18 हजार मजदूरी नहीं मिली है। हाँ। पहले का
छपाई में जो आती है लास्ट किस्त, हाँ, 1,20,000 आपको मिला है, तो उसमें आपने आपको भी कुछ शुल्क लगा है पहले? जैसे नहीं, नहीं। आपसे नहीं लिया? चलिए कोई बात, स्टार्टिंग का है, फर्स्ट का है। आपका कौन से सन में आया था, कितने वर्ष पहले? 3 साल हो गया। अच्छा, फर्स्ट में था, 2017 हो गया, माने आपका पुराना है। पर अभी तक आपकी अलग से 18,000 रूपए जो छपाई में मिलती है, मजदूरी वाला, वो नहीं मिला? चलिए धन्यवाद। ये आपका मकान, पति का नाम राम कौशल यादव, तो ये जो मकान आपका दिख रहा है आपके पीछे, तो ये प्रधानमंत्री आवास से मिला है कि आप स्वयं बनवाई हैं? आवास से मिला है, 25,000 रुपया आई। तो ये अधूरा क्यों पड़ा है अभी? दोबारा पैसे नहीं आवा। अच्छा, कितना मन मिला है आपको? 25,000। कब आई थी 25,000? 3 साल पहले। 3 वर्ष पहले 25,000 आई थी, तब से आपको नहीं? तो फिर ये पहली किस्त कुर्सी तक आई, फिर इसके बाद आप अपने से बनाई हो? हाँ, अपने से। तो आप फिर सेक्रेटरी वगैरह से बात नहीं किए आप? बात करें तो कहा था कि मैं 50,000 रुपया दे। कितना मांगा था? 50,000 रुपया। तब फिर अच्छा पड़वाई पैसा आवे, दोबारा आवे, 5,000 रुपया उनका दे चुके हैं हम। 5,000 आप दे चुके हैं? केका दहन 5,000 रुपये किसको? अच्छा, विवेका जी आपके यहाँ सेक्रेटरी, यहाँ 5,000 रुपये आपसे ले गए, और अभी तक फिर दोबारा किस्त नहीं आई? मात्र 25,000। हाथ में अपने नहीं लिहीन, यहाँ से अतरैला बोलवाए हमारे आदमी का, हाथ रैला में पैसा उन लिहीन दूसरे के हाथ से, होइए फिर तब से रोके दिन पैसा नहीं आवा। अब दोबारा बोली थी तो क्या कहा था? अब होइए कहा था कि पैसा दे 50,000 रुपया, तब आवे छत पड़े। चलिए ठीक है।